गिड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खोकसर पश्चिम की राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय खोकसर दक्षिण में गणित विज्ञान विषय के शिक्षक की प्रतिनियुक्ति के खिलाफ शनिवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीण शिक्षक की प्रतिनियुक्ति निरस्त करने की मांग को लेकर स्कूल के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए। इसके बाद मामले की जानकारी जनप्रतिनिधियों और शिक्षा अधिकारियों को दी गई। अधिकारियों ने शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति निरस्त करने का आदेश ग्रामीणों को सौंपा, तब जाकर उन्होंने धरना समाप्त किया। बायतू से राकेश जैन की रिपोर्ट। गिड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खोकसर पश्चिम की राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय खोकसर दक्षिण में 18 दिन पहले ही लगाए गए शिक्षक की प्रतिनियुक्ति कर देने से ग्रामीणों और युवाओं का गुस्सा शनिवार को फूट पड़ा। ग्रामीणों ने पंचायत समिति, शिक्षा अधिकारी व गंभीर आरोप लगाते हुए शिक्षक की प्रतिनियुक्ति को गैर कानूनी बताया। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए स्कूल के मुख्य द्वार के आगे धरना शुरू कर दिया। दरअसल इस स्कूल में लंबे समय से गणित और विज्ञान विषय के अध्यापक का पद रिक्त चल रहा था। इस पर 18 दिन पहले ही शिक्षक भवरा राम की नियुक्ति हुई थी। इस पर ग्रामीणों को शिक्षण व्यवस्था में सुधार उम्मीद बंधी थी, लेकिन हाल ही में पीईओ नितेश शर्मा ने नव नियुक्त शिक्षक भवरा राम की प्रतिनियुक्ति कर दी। इस पर ग्रामीण भड़क उठे और शनिवार को ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर धरना देकर विरोध जाहिर किया। ग्रामीणों ने शिक्षक की प्रतिनियुक्ति निरस्त करने की मांग की। इस पर शिक्षा अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया, लेकिन ग्रामीण लिखित में प्रतिनियुक्ति निरस्त करने के आदेश जारी करने की मांग पर अड़ गए। ग्रामीणों ने दीने खान मंगलिया के नेतृत्व में इसकी शिकायत गिड़ा सीबीओ गिड़ा प्रधान लक्ष्मण राम डेलू सहित उच्च अधिकारी व जनप्रतिनिधियों से की, तो मामला बढ़ता देख पीईओ कार्यालय में प्रतिनियुक्ति निरस्त करने के आदेश जारी किए। हमारे टीचर भंवरलाल जी थे, जो एक महीना हुआ है अभी स्कूल में खोकसर दक्षिण कन्या विद्यालय में जो ज्वाइनिंग ली। अब पता नहीं पीओ साहब का फोन आया कि उनको रिलीव किया जा रहा है। गणित विज्ञान की टीचर है तो उनका पोस्ट यहाँ पर अभी पद भरा है 25 दिन के। अभी 25 दिनों में ही उन्होंने रिलीव करने की कोशिश की। हम ग्रामीण इसीलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए, उनका रिलीव निरस्त किया जाए, नहीं तो हम यहाँ से धरना प्रदर्शन करेंगे। आपकी मांग। पीईओ की ओर से प्रतिनियुक्ति निरस्त करने के आदेश मिलने के बाद ग्रामीण माने और उन्होंने धरना समाप्त किया। इस अवसर पर एसएमसी अध्यक्ष पताराम दर्जी, केहरा राम हुड्डा, हाजी सरादी खान, पद्माराम दर्जी, राणा राम गोदारा, खिवरे खां, प्रभु राम लूखा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।